हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी फ़ोन है तो रेडमी 12 फ़ोन में कैसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने रेडमी 12 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से आइकन शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही यार आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में 5G नेटवर्क है तो 5G नेटवर्क को कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कैसे इनेबल करेंगे। तो इनेबल करने के लिए सिंपली आपके फ़ोन की सेटिंग्स से शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ से जो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स है उसको सेट कैसे करेंगे, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर इस पे जाना है जहाँ से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं, इस तरीके से ऑन कर पाएंगे। और जो भी आप डिस्प्ले आइटम्स को अपने डिस्प्ले पे शो करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी इमेज आइटम्स को भी आप सेट कर सकते हैं, या फिर सिग्नेचर की पाइप क्लेम्स को सेट करना चाहें कर सकते हैं। एनालॉग्स को आप लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। कैलाइडोस्कोप्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे आप टाइमिंग क्लॉक्स को अप्लाई करना चाहें तो इस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे और आपके क्लॉक्स वगैरह स्क्रीन पे शो करेंगे। तो इस तरीके से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं कि जो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नोटिफिकेशन इफेक्ट्स होते हैं उसको भी सेट कर पाएंगे। इस तरीके से इफेक्ट्स, ब्लू इफेक्ट, रेड इफेक्ट्स एंड स्मॉलिंग इफेक्ट्स, उनको आप इस तरीके से सेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने रेडमी 12 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।